हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ कि मोमू कैसे बनाता है। वो भी टाइपो बोलते हैं हम लोग इसको, बड़ा वाला वाला, छोटा वाला नहीं है, बड़ा वाला टाइपो मोमू बोलते हैं। अंडा के साथ में चिकन को अच्छा से वो कटिंग करके और अंडा को डाल के टाइपो बनाते हैं। देखिए गाइस किस तरह से बनाता है, आप लोग भी देखे और घर में बना के आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं, आपका फैमिली के साथ में, आपके दोस्तों के साथ में, पार्टी वगैरह में इन्जॉय कर सकते घर में बना के। बाहर से भी अच्छा, घर में आप लोग मनपसंद कितना अचार डालना है, कितना तीखा बना के खा सकते हैं आराम से। इस तरह से आप लोगों को कुछ नहीं, बर्तन इस टाइप का रहना है तो आप लोगों को पता ही है, ये डोसा वगैरह बनाने वाला बर्तन रहता है उसमें भी हो जाएगा। और इस तरह का ये बर्तन रहता है। अंडा देखिए इधर में, तो इधर में कीमा बोलते हैं, प्याज का और चिकन का छोटा छोटा कटिंग करके ऐसा कीमा बनाना है आप लोगों को मतलब। और इसका ये देखिए कीमा बनाना, और इसमें इसे डालना है थोड़ा रोटी जो मैदा का रहता है, आटा का बना सकते कोई भी रहेगा, तो इस तरह से रोटी टाइप का बना के इसमें डालना है कीमा। कीमा बोले तो वही प्याज और ये अंडा का ये जो है ना, हम लोग कटिंग करके छोटा छोटा करता है, उसके बाद में वहाँ उसको कीमा बोलते हैं। थोड़ा सा तेल डाल के थोड़ा सा उसको एकदम से जंपिंग करके थोड़ा सेट होने देना है, और बाद में इस तरह से आप लोगों को बनाना है गाइस। तो आप लोग अच्छी तरह से घर में बना के आराम से आप लोग इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, तो बाहर से ला के ये नहीं। अभी इतने इतना बड़ा वाला देखिए, इसको टाइपो बोलते हैं, ये मोमू ही है, छोटा वाला मोमू नहीं है, बड़ा वाला है। चार खाने से आपका पेट भर जाएगा, इससे ज़्यादा भी नहीं खा पाएंगे आप लोग। देखिए कितना अच्छा दिखता है। तो इस टाइप का जो मोमू रहता है इसको टाइपो बोलते हैं हम लोग। तो ये टाइप का मोमू बहुत टेस्टी रहता है, क्योंकि इसमें चिकन का जो आप लोग कीमा बोलते हैं हम लोग, छोटा छोटा करके सब्जी टाइप का और अंडा डाल के बनाते हैं, बहुत टेस्टी रहता है गाइस। और अचार भी बहुत तीखा टाइप का रहना है, टमाटो का अचार भी बना सकते हैं आप लोग, नहीं तो मिर्ची वगैरह डाल के अच्छा से आप लोग बादाम का भी अचार बना सकते हैं, तिल का भी बना सकते हैं। आपको कौन सा अच्छा लगता है अचार, किस टाइप का, तो उसी हिसाब से आप घर में बना के आराम से खा सकते हैं गाइस, और इन्जॉय मज़े कर सकते हैं आप लोग। एक बार ट्राई कीजिए, अच्छा रहेगा। सो इस टाइप का हम लोग कभी कभी छुट्टी रहते हैं तो बाहर में ड्यूटी ऑफ रहते हैं, तो इस टाइम में हम लोग सब फैमिली लोग मिलके, हमारे दोस्तों मिलके हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ बना के खाते हैं। तो ये टाइम पे हम लोग क्या दिमाग में आया, तो मोमो बना के खाने का, क्योंकि हम लोग मोमो खाते रहते, नूडल्स वगैरह भी खाते रहते। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपका चिकन नूडल्स वगैरह कैसे बनाना है। अब ये मोमो भी बहुत टाइप का बनता है गाइस, आपका पनीर का बनेगा, बहुत चिकन का बनेगा, वेज बनेगा। सो गाइस ऐसा अच्छा सा वीडियो लेके आता रहूँगा आपका। मेरा वीडियो अच्छा लगता है, लाइक सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।